नेक्स्ट रिएक्शन अभी हम देखते हैं, गेटरमान सिंथेसिस। गेटरमान सिंथेसिस है ये स्पेशली फेनोलिक एल्डिहाइड बनाने के लिए काम आती है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि फेनोल की रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, इस मिक्सर के साथ फिनोल को ट्रीट करवाते हैं और फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद ये फिनोलिक एल्डिहाइड हमें मिल जाता है। और इस रिएक्शन की खास बात ये है कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये स्पेशली एट पैरा पोजिशन पर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन का मकैनिज्म देखते हैं। तो मकैनिज्म इस रिएक्शन का, तो इसका फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होती है फॉर्म एल्डिनियम आयन, ठीक है। तो फॉर्म एल्डिनियम आयन क्या होता है कि ये हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो यहां पे ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये बेस की तरह काम करेगा और HCl एक एसिड है तो ये HCl का H पॉजिटिव यहां पे ऐड हो जाता है और फिर इसके बाद ये Cl नेगेटिव यहां पे अटैक करता है तो जाके ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। HCl का एडिशन हो जाता है, ओवरऑल Cl कार्बन पे ऐड होता है और ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर ऐड हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, ये इस एडिशन प्रोडक्ट के साथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है तो आपको पता है कि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एक लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। तो ये लेविस एसिड क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से विड्रॉ कर लेगा, इस Cl को यहाँ से विड्रॉ कर लेगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये इसलिए बनता है क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एक लेविस एसिड है, ये Cl को कैप्चर कर लेता है यहाँ से और यहाँ पे ये कार्बोकैटायन टाइप स्पीशीज बन जाती है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिनियम आयन। अब ये फॉर्मेल्डिनियम आयन जैसा कि देखने से ही लग रहा है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था फॉर्मेल्डिनियम आयन, ये फेनोल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और इसमें क्या होता है, ये फेनोल का ये लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इस टाइप से अंदर रेजोनेंस में होता है और ये पैरा पोजीशन से यहाँ से इस कार्बन के ऊपर अटैक होता है और ये पैरा पोजीशन के ऊपर ये अटैच हो जाता है। और मैंने जैसा कि हमने पहली रिएक्शंस में भी देखा है ये वाला स्टेप हमारा स्लो होता है, क्यों, क्योंकि इस स्टेप में बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, इस स्टेप में एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये स्टेप स्लो होता है। और इस अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होकर इस टाइप से शिफ्ट हो जाता है और ये इस टाइप से मूव करता है और इस टाइप से ये आगे प्रोसीड होती है रिएक्शन, यहाँ से माइनस एच पॉजिटिव निकल जाता है, ठीक है, और हमारे पास ये इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि एसिड का ये प्रोटोन यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगी इसीलिए हमने इसको ये रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोटोन अटैच हो गया है, अब क्या होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो वाटर का ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर को यहाँ पे अटैक करवा देता है और ये वाटर यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है और ये बॉन्ड इस टाइप से इधर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है, और इसलिए ये NH2 बन गया है, पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म हो गया है क्योंकि ये बॉन्ड कहाँ पे माइग्रेट कर गया है, नाइट्रोजन के ऊपर। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन जैसा कि आपको पता है कि स्टेबल नहीं होता है इसीलिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है इस टाइप से कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाते हैं और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और यहाँ से ये जो H पॉजिटिव निकला था वो इस NH2 के ऊपर जो लोन पेयर थे उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस टाइप की रिएक्शन हो जाती है, यहाँ से H पॉजिटिव निकल के इस NH2 के पास जाके अटैच हो जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे OH है, ये NH3
पॉजिटिव है तो क्या होगा, इस OH के ये जो लोन पेयर हैं ये इस टाइप से मूव करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में ये मूव करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगेगा, लेकिन कार्बन की ऑलरेडी यहाँ पे फोर वैलेंसी सेटिस्फाइड है इसलिए ये NH3 ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है, तो यहाँ से एक माइनस NH3 लीव हो गया है, ठीक है। इसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, और ये ब्रेकिंग इस टाइप से होती है कि इस ओ और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलते हैं और ये एच पॉजिटिव यहाँ से निकल जाता है और फाइनली ये हमारा LDIHD यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हमने देखा है गेटरमैन सिंथेसिस का।